वीर और दादाजी बहुत खुशी होते हैं क्योंकि उनने एक ऐसी मशीन बनाई होती है जो कि चंद्रमा में जाने के लिए होती है। और वीर कहता है कि दादाजी जी को हम सभी लोग चंद्रमा में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पर ये मशीन कहती है जो कि अभी उड़ नहीं रही है। जैसे वीर दादाजी कहते कि ये मशीन एक जादुई मशीन होती है, ये सिर्फ अपने ही हौसले से उड़ेगी। और जैसी ऐसी बातें करते करते वीर कहने लगता है कि देखो मुझको भी साथ लेके जाना, मैं इस रोबो मशीन में बैठ के जाऊँगा और मुझको पता ही ये मशीन में बहुत ज़्यादा मजा आएगा, मैं चंद्रमा का शेयर करूँगा। और ऐसे ही दादाजी कहते कहते कहने लगते तुम मत जाओ, तुम अभी छोटे हो, अभी तुम घर रहना। और इमली ये सब बात सुन रही होती है और दादाजी कहते हैं कि ये मशीन बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसमें बहुत डर रहता है। और वीर कहता है कि नहीं मैं भी जाऊँगा। और जैसी बातें बातें करते करते मशीन अपने आप उड़ने लगती है। और जैसी मशीन जा रही होती है दादाजी उससे वो कहते हैं कि देखो ये मशीन जा रही है। और जैसे वो पीछे देखते हैं कि मशीन तो जा रही है, इमली कहती है कि दादाजी देखो मशीन वो जा रही है। वो ऐसे कर करते मशीन उड़ जाती है और मशीन जैसे जाने लगती है दादाजी कहते हैं कि मशीन तो चली गई, अपन लोग क्या करेंगे। उससे पहले मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो यार, मैं माफ़ी कसम कभी नहीं।